परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज की वीडियो बना रहे हैं कि हम कौन सी गाय को जो है मैट्रिस भरते हैं उसकी ज्यूट्रस में, और एआई के बाद में कितने घंटे बाद जो मैट्रिस है उसको ज्यूट्रस में डालते हैं उसकी गाय की, जिसकी एआई पहले हो चुकी होती है। तो क्यों भरते हैं इसके बारे सरदार जी बताएंगे। तो ये है मैट्रिस एफ ट्यूब, चलो जी बताओ जरा दर्शकों को कि क्यों भरते हैं मैट्रिस एफ। मैट्रिस एफ इसलिए भरते हैं 10 घंटे बाद जो एआई के, कि अगर हमें शक हो जाए कि थोड़ी सी उसमें इन्फेक्शन है और हम टाइम भी लूज ना करना चाहें कि 22 दिन के लेट हो रही है हमारी एआई, तो हम फिर एआई कर देते हैं। तो हल्की अगर इन्फेक्शन दिखे, या कई बार क्या होता है कि गाय आपकी रिपीटर बन जाती है तो उसकी वॉल्स में इन्फेक्शन होती है, वो जो उसका डिस्चार्ज उसमें नहीं दिखाई पड़ती, तो उसके लिए भी हम एआई करके मैट्रिस एफ उसमें भर देते हैं। वो बहुत से बार ये कंपनी एमएसडी कंपनी की है और उनसे भी रिकमेंडेड है ये कि आप भर सकते हैं 10 घंटे बाद। और उससे ये होता है कि कई बार हमारी गाय ऐसी प्रेग्नेंट हुई हैं जिनको माइनर सी होती है, तो जब अंडा चिपक के वहाँ अपने अंडे ने वहाँ अपनी जगह लेनी होती है, उसके पहले वो उसको वहाँ जो एनवायरनमेंट है उसको सही कर देती है और वो अंडा चिपकने में हेल्प हो जाती है। और मेन बात ये है कि वहाँ इन्फेक्शन कोई नहीं रहती है, तो फिर उससे जो अंडा है वो चिपक जाता है और उसकी डेथ नहीं होती है। अगर इन्फेक्शन रहेगी तो डेथ हो जाती है, तो ये सब टाइम बचाने के लिए अब इसकी एआई तो कर दी है और साथ में ये मैट्रिस एफ भर देंगे, तो इसके चांसेस रहते हैं गाय का बच्चा पकड़ने के। तो अगर नहीं भी रहेगी तो अगली बार हमें ये फ्रेश मिलेगी, तब फिर एआई हो जाएगी। बाकी अच्छा, तो ये है हमारी गाय बोहला, जिसकी सुबह जो एआई की थी हमने, तो अब हम इसकी जो है ज्यूट्रस में मैट्रिस एफ भर देंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत ही इन्फेक्शन होगी जिसकी वजह से ये खलो नहीं रही है तो ये गब्बन हो जाएगी। तो बोला के जो गन पास है वो हो रही है अब, तो फाइनली इसके जो हम मैट्रिस एफ वो डाल रहे हैं इसकी ज्यूट्रस के अंदर। तो हवा से जितनी भी ट्यूब है सीत में वो सारी अंदर चली जाएगी। तो जी, हमने इसको भर दी है मैट्रिस एफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।